बुधवार को मथुरा के नया बस अड्डा रोड स्थित कंकाली मंदिर के समीप स्टाइल ओशन ब्यूटी पार्लर एवं सलून का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नगर निगम मथुरा वृंदावन की पार्षद श्वेता शर्मा ने फीता काटकर सलून का शुभारंभ किया एवं केक काटकर सलून के विधिवत शुभारंभ की घोषणा की। इस मौके पर सलून संचालक दंपत्ति रमन घोष एवं नूपुर घोष द्वारा मुख्य अतिथि श्वेता शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे ब्रज यातायात समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर श्वेता शर्मा ने कहा कि ये अपने आप में मथुरा शहर का एकमात्र फैमिली सलून है, जहां पर पूरे परिवार को अलग अलग जाने के बजाय एक ही जगह सारी सलून सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस सलून के माध्यम से शहर की महिलाएं मेकअप डिजाइनिंग एवं आधुनिक स्टाइल में नए आयाम स्थापित करेंगी। ब्रज यातायात समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कहा कि इस सलून में सबसे अच्छी बात यह है कि परिवार के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा, वे सारी सुविधाएं एक ही जगह से ले सकेंगे। इसके साथ ही सलून की संचालक नूपुर घोष ने सलून एवं पार्लर में दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए जारी डिस्काउंट के बारे में कहा कि फिलहाल ओपनिंग सेरेमनी के उपलक्ष्य में 50% का डिस्काउंट जारी किया गया है, जो सभी ग्राहकों के लिए मान्य होगा। साथ ही उनके ग्राहक एक के साथ एक फ्री सर्विस का लाभ ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सलून के माध्यम से वे मेल सर्विसेज एवं फीमेल सर्विसेज जैसे हेयर स्पा, पेडिक्योर, मैनीक्योर, फेशियल, हेयर कट, हेयर कलर, हेयर बॉन्डिंग आदि सुविधाएं बेहतर मूल्य पर उपलब्ध कराएंगे। सर क्या नाम है? जी मेरा नाम विनोद दीक्षित है। बताएं आज क्या प्रोग्राम रहा है, क्या कुछ? देखिए आज ओपनिंग हुई है यहाँ पे स्टाइल सैलून के नाम से, और इसके जो ऑनर हैं वो नूपुर जी और रमन जी हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। साथ ही मथुरा में एक नई चीज़ है, नया कॉन्सेप्ट है, आप ज़रूर यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को भी वही फैसिलिटी है, बड़ों को भी है और खासकर लेडीज़ को भी है। अभी तक देखा गया था जो भी सैलून में जाते थे अलग अलग पार्टों में जाते थे लोग, तो एक संडे में आप पूरी फैमिली को आप ला सकते हैं और पूरा इसका फ़ायदा ले सकते हैं। मैं एक बार पुनः मथुरा की लोगों से अनुरोध करता हूँ और उस चीज़ का आप बिल्कुल फ़ायदा ले सकते हैं यहाँ पर, और सभी लोगों को धन्यवाद। और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएँ हैं जो मुहैया कराएंगे? यहाँ इस सलोन में सबसे ज़्यादा जो मेन रहेगा वो मेकअप और हेयर रहेगा। हम लोगों का मेकअप और हेयर, हमारा पेज है स्टाइल ओशन के नाम से फेसबुक पे, इंस्टा पर आप उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारे वर्क लेबल को वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कैसा वर्क करते हैं। और यहाँ पे स्किन से रिलेटेड सारी सर्विसेज रहेंगी, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, वैक्सिंग, मतलब ऑल ओवर सारी सर्विसेज यहाँ अवेल होंगी। और जेंट्स के लिए भी यहाँ पर सर्विसेज रहेंगी, बट जेंट्स सेक्शन अलग रहेगा, लेडीज सेक्शन अलग रहेगा। इस चीज़ को लेके हमने बहुत ध्यान दिया है, इसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने किसी भी लेडीज़ को, किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी आप आइए सलोन में विज़िट करिए, मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच। क्या पद है जी? मैं वार्ड नंबर 66 से श्वेता शर्मा पार्षद हूँ। आज क्या क्या प्रोग्राम रखा गया? आज यहाँ पर एक पार्लर, एक सलून की ओपनिंग की गई है स्टाइल ओशियन, जिसको चला जिसकी जो संरक्षिका है वो है नूपुर जी और भाई रमन। तो ये एक बहुत सुंदर आज उन्होंने शुरुआत करी है एक सलून की, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये इस क्षेत्र में बुलंदियों को छुएंगी। क्या कुछ किस तरीके से रहेगा यहाँ पे लोगों को, महिलाओं के लिए या जेंट्स? ये एक फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पूरी फैमिली के बच्चे हों, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, सभी लोग यहाँ पर आकर के और उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और जिस हिसाब से मैंने पार्लर देखा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट कहूँगी मैं। मथुरा में अभी ऐसे पार्लरों की बहुत कमी है। तो कितने लोगों का स्टाफ होगा यहाँ पर? लगभग 8 से 10 का स्टाफ मुझे नज़र आ रहा है।